मेरा पहला प्रोजेक्ट था नेपाल, दूसरा प्रोजेक्ट अब होगा मेरा बम्बलबी को बाय बाय कहना, और तीसरा प्रोजेक्ट मेरा होगा अपने ड्रीम को पूरा करना। ओ भाई, दीदी चला रही है बाइक, लेकिन ना मेरी बाइक में ना इंजन चेक की लाइट आ गई। सो गाइस, यहीं से हम चढ़ जाएंगे जन्नत के दरवाजे की तरफ। ध्यान से दावा बोल दो। सो जी, आज का जो हमारा नाश्ता है अयोध्या का, वो है बड़ा यमी। अयोध्या? अयोध्या में ही तो हम, अयोध्या में ही, राम जी की नगरी में हम खाएंगे आलू पूड़ी। आलू पूड़ी, क्या बात है गाइस, क्या बात है। सजा के कितने बढ़िया से लेकर आए हैं भैया। क्या करारी पूड़ी है ना भाई, ज्यादा ही करारी है तो। भाई एक नंबर आलू पूड़ी है, कैसी लग रही है भाई? जबरदस्त, मजा आ गया ना नाश्ते में। आज ऐसा हैवी नाश्ता कर लिया कि घर तक भूख नहीं लगेगी अब। बाकी भाई एक बार ना हमारे रूम की हालत देखो, ये जो टिश्यू पेपर है ना, इन्होंने भाई इतनी हेल्प करी ना हमारे शूज को सुखाने में, और इन्होंने बहुत हेल्प करी भाई हमारे ट्रिप को बढ़िया बनाने में। सो बाकी अभी टाइम हो रहा है 12, और ना सुबह से बढ़िया बारिश हो रही थी, अब बारिश भी रुक चुकी है, मौसम भी काइंड ऑफ खुल चुका है। बाकी आज ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए, क्यों? सुबह जल्दी उठ गए थे, व्लॉग एडिट करा, लेकिन अपलोड में ना 4 घंटे लग गए। 4 घंटे भाई, 4 घंटे बैंड बज गई, और भी बहुत सारे काम थे, वो काम करते करते भाई इतना लेट हो गए। सो अब फटाफट नीचे उतरते हैं, बाइक पे सामान डालते हैं और बस निकलते हैं यहाँ से। बाकी यार एक चीज़ ना हमेशा कॉमन होती है हर रोड ट्रिप पे, जो आखिरी के दिन होते हैं ना, उस टाइम पे भाई घर की ना बहुत याद आती है। आपका मन कर रहा होता है कि बस किसी भी तरीके से उड़ के घर पहुँच जाऊँ। ये जो सफ़र होता ना बड़ा लंबा लगता है, बट भाई क्या करें, सफ़र तो सफ़र है ना। मेरी बाइक की जो चाबी भी है ना, वो भी ना बड़ी हार्ड हो गई है, इजीली नहीं घूम रही। सो बाइक स्टार्ट करते हैं। एंड जी, हम लोग रुके थे बेदी ड्रीम लैंड होटल एंड रिजॉर्ट अयोध्या में। आवाज़ आ रही है तेरे को? आवाज़ आ रही है बाहर से, पता है कितना सेक्सी लग रहा है ना अंदर अंदर थोड़ी कहानी अलग है। मतलब बजट में अच्छा होटल है, सही प्राइस पे रूम मिल गया था, और नहीं बाकी देखो पानी देखो कितना भरा हुआ है। ओ भाई, यही जूते गीले हो जाएंगे। ड्रीमलैंड है भाई, बड़ी मुश्किल से जूते सूखे हैं, और आज भाई बस सूखे ही रहे। वो आज ना मैंने घड़ी भी डाली ऐसे। क्या लगता है दिल्ली पहुंच पाएंगे? भाई 12:30 हो रही है वैसे अभी, 12:30 हो रही है, और तमीज से चलाओ तो 10 घंटे का रास्ता है भाई अयोध्या से। ओ भाई जय शिव शंभू, हे शिव शंभू कृपा करना। बाकी जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काम सबको करना होता है, पता ही होगा आप सबको, भाई जय श्री राम लिख दो कमेंट में, अयोध्या में है राम जी की नगरी में। सो एक राम राम जय श्री राम तो भाई कमेंट में जरूर बनता है आपका। सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, कमेंट आपका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी भाई लखनऊ पहुँचने में हमें लगेंगे क्लोज टू 3 से 4 घंटे, 150 के अराउंड है, नहीं 125 के अराउंड है यहाँ से इस रूट पे ना। यहीं पे रुक के हमने आते टाइम रील भी बनाई थी, क्या बात है भाई, मेमोरीज रिवाइव हो गई आज तो सारी। आज और भी बहुत सारी मेमोरीज रिवाइव होंगी, क्योंकि आगे वाला टॉल भी आएगा जहाँ पे हमारा पंगा हुआ था, फिर हमने दंगे कर दिए थे भाई। और फ्लो देखो पानी को कितना ज़्यादा है बॉस। ओ भाई, दीदी चला रही है बाइक, क्या बात है जट्टा, क्या बात है। बाइक्स का डलेगा इधर से पेट्रोल, चलो अभी तो हाफ रेंज है भाई मेरी। सो हम लोगों ने ना प्लान किया था कि एक बार ना पहले ही निकलते ही पेट्रोल डलवा लेते हैं, बट यहाँ पे पावर नहीं है, H2 में पावर ही डल रहा है। सो अगला जो पेट्रोल पंप आएगा वहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि अभी जो रेंज आ रही है ना मेरी बाइक की, वो तो 118 आ रही है। चलो अच्छा है, वाला पेट्रोल पंप खाली है भैया। अयोध्या जी, अयोध्या से ही नहीं आए हैं, बस यहीं रुके थे पीछे, यहीं तक का सफर था बस। आ जा, अभी तो मंदिर बंद है यहाँ पे। मंदिर क्यों बंद है? राम जन्म भूमि बंद है ना, तो अभी दर्शन नहीं कर सकते मंदिर के? अलग से है मंदिर छोटी, हाँ, लेकिन जो बन रही है वहाँ बाहर से दूर से देख सकते हैं बस। ये तो बहुत अच्छी नॉलेज दी भैया आपने। तो जी ये वही टॉल है जहाँ पे पंगा हो गया था हमारा,
फिर मुक्के। नहीं मैंने तो कुछ नहीं करा था भाई, मैं तो शांत स्वभाव का बंदा हूँ। सो यहीं पे दंगे हो गए थे थोड़े से, और इनोवा वाले भैया यूटर्न लेके वापस भाग गए थे, क्योंकि गलती उनकी ही थी, हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं थी गाइस, और हमारा एंगर भी गलत नहीं था उस टाइम पे। बाकी एज ऑलवेज बोलना नहीं पड़ता, हर वीडियो में पहले बोलता हूँ भाई, मौसम एकदम एंड ही हो रहा है। बाकी स्कूल से बच्चे घर जा रहे हैं, स्कूल चले हम। बच्चों ने ना वो नहीं डाली है, बारहवीं वाली ड्रेस चल रही है ना आजकल, बारहवीं मूवी की थीम चल रही है ना, पिंक ड्रेस। क्या हो गया सफारी वाले भैया, ओ गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। ओ भाई बाइक वाला गुस्सा हो गया। बाइक वाले ने जो लुक दिया ना अभी सफारी वाले को, अभी भी भाई टोल खतरनाक है वाला, सारे कलेश यही होते हैं। आज ना वैसे जल्दबाजी में ना हमने ना वाइजर भी चेंज नहीं करा अपने हेलमेट का, ट्रांसपेरेंट लग रहा है, धूप इतनी है कि ना आंखें ना सही से खुल नहीं रही। सो अभी आगे रुकेंगे और ना ये जो वाइजर है चेंज करके स्मोक लगा लेंगे, भाई को भी इशारा कर देते हैं। इशारों में बात हो गई कि आगे रुक के शीशा चेंज करते हैं हेलमेट का, क्योंकि ना मज़ा नहीं आ रहा, आंखें नहीं खुल रही यार। तो भाई वाइजर चेंज करने से पहले ना हमें दुकान पे ना लड्डू दिख गए यहाँ पे, तो ट्राई कर लेते लड्डू। एक बार नीचे से लुक चेक करो अपनी बाइक का, कितनी ही सेक्सी लग रही है, कितनी सेक्सी, मज़ा आ गया। सो यहाँ पे रुक के ना एक चाय भी पियेंगे, यहाँ पे बन रही है चाय। भाई से ना चैनल सब्सक्राइब करवा दिया सबका, भाई चाय बढ़िया बना देना ऐसी कि एकदम नींद खुल जाए। ध्यान से गिर जाएगा। अंकल को हमारी S2 पसंद आ गई है। अंकल एक हवा में फायर भी कर दो ऐसे ही। टाइम हो रहा है 2:14, 15 हो गए बात करते करते, और आपके भाई ने ना चाय पीते पीते में मिरर भी फिक्स कर दिया, शीशा भी चेंज कर दिया। सो मिरर को मैंने कैसे फिक्स करा, टायर का जो रबड़ होता है ना, सो उससे लपेट के इसको मैंने चूड़ी से और ज़्यादा टाइट कर दिया, क्योंकि ना इसकी चूड़ी ख़राब हो गई और स्पेस आ गया बीच में, सो उस वजह से ना ये सही से बन नहीं रहा था। अगर अब मैंने इसे हाथ नहीं लगाया ना, तो मुझे लगता नहीं है ये दिक्कत देगा। बाकी बढ़िया भाई, दोनों साइड पे मिरर लग रहा है ना, अब अच्छा लग रहा है भाई, ये वाला फ्रेम है ना, आपको कैसा लग रहा है भाई? ये फ्रेम परफेक्ट है भाई। यूपी टूरिज्म वेलकम यू टू नवाबों के शहर लखनऊ। सो भाई लखनऊ अपन लोग पहुंच चुके हैं, और जो बारिश हो रही है ना सब भी गो दिया, जो कल रात में मुश्किल से सूखी थी ना हाइट में, वो सब की सब फिर से गीली हो चुकी है भैया, इतनी तगड़ी बारिश हो रही है। और मुझे याद आ रहा है जब हम निकल भी रहे थे ना लखनऊ से, हमें तो भी तगड़ी बारिश मिली थी, और भाई ये वाली बारिश बहुत तगड़ी है कसम से। भाई आगे स्वीट स्पॉट ढूंढो और रोक लो। तो भाई आज हम ना बारिश से डर गए वैसे एक्चुअली, क्योंकि कल इतना ज़्यादा भीग गए थे ना, भाई का जूता बचाने का जुगाड़ सक्सेसफुल लग रहा है मेरे को। भाई साहब क्रेजी ट्रैफिक से वेलकम हो रहा है हमारा लखनऊ में, और बारिश रुक गई है, और जो मेरा पॉलोथिन वाला जुगाड़ था, बोले तो पॉली बैग वाला, वो भाई हुआ ही नहीं जुगाड़ कामयाब। सो अभी रुक के मैप लगाते हैं और देखते हैं हाईवे कहाँ से चढ़ेगा। भाई नवाबों का शहर है बड़ा सुंदर, और ये जो शीशा है ना फिर से जवाब दे गया फिर से। सो मैंने जो अंदर वाली रबड़ दी ना उसको संभाल के तो रखा है, आगे रुकेंगे तो एक बार ट्राई कर लेंगे फिर से लगाने का। बाकी ये जो एरिया है ना भाई, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैं इधर, इसलिए आपका भाई लोकल में 5वें गियर पर चला रहा है कि भाई शांति से निकल जाएं, और अगर गलती से पकड़ लिया ना भाई तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कलेश हो जाएगा। प्रयागराज सीधा, वाराणसी भी सीधा, सुल्तानपुर भी सीधा, सब कुछ सीधा सीधा है, हमें भी शायद सीधा ही जाना है। सो गाइस गई भैंस पानी में, ये कहानी और कहावत आज सच होती नज़र आ रही है, क्योंकि उधर भैंसें पानी में जा रही हैं, और भाई पानी बहुत ज़्यादा डीप है कसम से, ओ माय गॉड। सो अभी ना बस आगे कुछ मिनटों में आ जाएगा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, आई थिंक यहाँ से सिर्फ 5-1 किलोमीटर है, और उसके बाद तो बस फिर जन्नत। उसके बाद तो भैया हम उड़ते हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके बाद भी हम तमीज से ही चलाएंगे, बस जाने से पहले एक बार ना फ्यूलिंग करा देंगे, क्योंकि ऊपर एक बारी को चढ़ गए तो भैया थोड़ी सी हमको हो जाएगी दिक्कत। अबे भक्त साढ़े तेरे को बोलूंगा थैंक यू, क्यों मैं क्यों बोलूं तेरे को थैंक यू, तो मैं तेरे साथ नहीं, तो मैं भी तो गया हूँ तेरे साथ,
नहीं मेरे को नहीं बोलना भाई, मैं ना बोलूं बहरा हो जाऊंगा मैं रहने। वो पत्रडोल डलवाएंगे। पावर अंकल, पावर पावर नहीं। सो गाइस प्लान चेंज, यहाँ से डलवाएंगे हम पेट्रोल, क्योंकि इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी। सो गाइस यू टर्न लेके ना दूसरी साइड पे जो पेट्रोल पंप आता है, हम इससे पेट्रोल डलवाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा है और शायद से वहाँ पे पावर नहीं था। पावर क्या था ही नहीं वहाँ पे, इधर पावर दिख गया मेरे को। भैया बाकी सब ठीक है, उससे पहले मेरी में डालना, बात खत्म हो गई। भाई उससे फालतू का इसमें डलेगा, वो आगे निकल गया लग रहा है। आ गया क्या? आ गया, पता चले उसकी बाइक में डल जाए उससे पहले। भाई अबे मेरा यही नहीं खुल रहा है, अभी बता दूंगा साले ईमानदारी। अरे मेरे पास जब है तो खिलूंगा। क्या दे रहे हैं? एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स भाई ओरिजिनल। नहीं नहीं एयरपोर्ट्स नहीं चाहिए भाई मेरे को ओरिजिनल। बोल भाई का बैठो, जो बाइक कर रहे हैं उनके पास नहीं है, उनके एप्पल का फोन है, मेरे पास एप्पल का फोन नहीं है। आप बाबू इस टंकी से आ रहे थे क्या? अभी नकली है भाई, डब्बा ही नकली है भाई, ओरिजिनल है भाई। मैं तो हैदराबाद लोग बिल दिखाइयो इसका, अबे डब्बा ही नकली है पीछे ये तो बाबू। सो गाइस यहीं से हम चढ़ जाएंगे जन्नत के दरवाजे की तरफ, बस यहीं सही है क्योंकि जन्नत है भाई हमारी घर। भाई इस हाईवे पे आके जो खुशी मिलती है ना, कसम से। अभी टाइम हो रहा है 4:11 और सुबह से हम लोगों ने चलाई है 157 किलोमीटर। सो जी पर्ची कटवा ली है और अब निकल रहे हैं यहाँ से सिद्धो 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 सिद्धो, फॉर्चुनर से भी सिद्धो, इधर से निकलेंगे। यार पेट्रोल डलवा के ना अपन लोग निकले ही थे, लेकिन ना मेरी बाइक में ना इंजन चेक की लाइट आ गई है। सो पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है। अब रुक के आगे ना एक बार कावासाकी वालों को फ़ोन करता हूँ। मेरे को बस एक डाउट है कि जो इसका ओटू सेंसर है उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एग्जॉस्ट से लिंक्ड होता है वो ना। मेरे को लग रहा था कि वो एरर देगा, बट यार वही है या नहीं है, सो ये कंफर्म करना बड़ा ज़रूरी है। सो एक बार अभी आगे रुकते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि भाई इंजन लाइट आना बाइक के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है अपनी बाइक में, तभी लाइट आ रही है यार ये। सो जी टाइम हो रहा है 6:13 एंड सुबह से हम लोग चला चुके 337 किलोमीटर। यार ये लाइट्स देखो कितनी प्यारी लग रही है, और सूर्य देवता तो ऑलवेज सेक्सी लगते हैं, बट भाई ये लाइट्स का जो वो आ रहा है ना ऐसे कर्व, इतना प्यारे रोड के ऊपर भाई मज़ा सा आ रहा था। मैं एक बार कैमरा ऑन करके आपको भी दिखा देते हैं। बाकी जहाँ हम लास्ट रुके थे वहाँ से जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था 120 किलोमीटर। सो देखते हैं कितनी देर में वो आएगा, क्योंकि वहाँ रुक के हमारा कुछ खाने पीने का प्लान है, क्योंकि सिर्फ नाश्ता करके निकले हुए हैं हम सारे के सारे। तो जी सुबह से बाइक चला चला के एनर्जी हो गया ख़त्म, अब यहाँ पे खाएंगे हम बर्गर और आ जाएगी एनर्जी, फिर हम बोलेंगे चक दे फटे। सो जी 348 बोले तो 350 किलोमीटर चला चुके हम अपनी गड्डी सुबह से, सुबह नहीं दोपहर से स्टार्ट किया था वैसे। मतलब स्पॉट देखते हैं कहाँ बम्बल बी को खड़ा करें। तो भाई आधा सामान उस वाली टेबल पे, आधा उधर और आधा इधर। अब भाई भूख लग रही है, कुछ फीलिंग्स आते हैं बहुत तेज। तो जी यही देगी अब घर तक की एनर्जी, और अभी तक यही कंफर्म नहीं है कि घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। लाओ जी ये दो लाल चिकन वाले हैं और ये हमारे वेज, सारी बर्गर बोल दिए क्या? बहुत बढ़िया। एंड जी खाना खाने के बाद हम लेंगे खाने के बाद वाला ब्रेक, जो होता है पेट्रोल वाला ब्रेक। पूरे ट्रक कितना लंबा है भैया, सो पेट्रोल डलवा लेते हैं। बाकी अभी टाइम हो रहा है 7:30। जोन सा फ्यूल डलवा रहा है वही डलवा, बार बार चेंज मत कर फ्यूल ना अपना। सो मैं भी वैसे रिस्क नहीं लेता, नॉर्मल चला रहा हूँ ना घर पे भी, तो भाई बाहर भी नॉर्मल ही डलवाता हूँ। तो यहाँ लगा लेते हैं और डलवाते हैं इसमें पेट्रोल। 96 रुपीज़ लीटर और भाई टैंक फुल चालू। अब ये टैंक फुल हमें क्लोज टू डेली ले जाएगा। 1328 रुपये का आया भाई फुल टैंक हमारा, और सुबह से 350 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। बाकी दिल्ली यहाँ से सेम 300 किलोमीटर ही अभी। जय माता दी भाई। पूरे रोड ट्रिप पे हम लोग थोड़ा ना, ओ भाई कितनी स्पीड में जा रहा है, पूरे रोड ट्रिप पे ना हम लोग थोड़ा ना बच रहे थे रात में राइड करने से, बट आज की राइड रात वाली होगी और काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि दिल्ली अभी यहाँ से है 300 किलोमीटर
बट एक्सप्रेसवे कसम से बहुत अच्छा है। एंड भाई कुछ भी कहो, अपना जो कॉन्वॉय है ना भाई, लगता बड़ा प्यारा है जब ऐसे ऐसे साथ साथ सारे के सारे चल रहे होते हैं, तो भाई फीलिंग बड़ी अच्छी आती है हमें तो। मतलब इतना ठीक है, ज़्यादा दिखता नहीं होगा, लेकिन जो आसपास खड़े हुए लोगों को दिखता होगा ना भाई, गैंग दिखता होगा एकदम सेक्सी वाला। सो गाइस, चेंज इन द प्लान, आज हमारा इस रोड ट्रिप का आखिरी दिन नहीं है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं आगरा। सो मिली जुली सरकार जो बनी वो ये बनी कि सीधा हमें चलना चाहिए आगरा, एंड आगरा में लास्ट स्टे करेंगे और उसके बाद कल सुबह दिल्ली। सो होटल वगैरह देख लिया आगरा में, एंड बस जाएंगे और रुक जाएंगे। सो दिल्ली जाने के लिए आपको जाना होता है रोड के उस तरफ से, और आगरा जाने के लिए आपको जाना होता है रोड के इस तरफ से। पहली बार होगा मेरी लाइफ में कि मैं इस वाले रूट से आके भाई आगरा उतर रहा हूँ। एंड जी वी आर इन आगरा भाई साहब। सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं पता नहीं, क्योंकि मैप जट भाई के हाथ में है और रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो हमारा स्टे है वो भी भैया बिल्कुल रोड पे ही है, कुछ मिनटों में भाई वो भी आ जाएगा। एंड यस, आज आगरा में स्टे करने वाले हैं हम लोग। एंट्री ले रहे हैं एंट्री, और रूम दिखा देते हैं आपको। सो जी, सेक्सी वाला वॉशरूम और एकदम बढ़िया वाला रूम, और थका हारा आपका खन्ना भाई। और आगरा पहुंच चुके हैं फाइनली, और गाइस तैयार हो जाओ, अब जो धमाल मचेगा ना इतना मज़ा आने वाला है ना, क्योंकि भाई अब नई बाइक की तैयारी चालू हो जाएगी। मेरा पहला प्रोजेक्ट था नेपाल, दूसरा प्रोजेक्ट अब होगा मेरा बम्बलबी को बाय बाय कहना, और तीसरा प्रोजेक्ट मेरा होगा अपने ड्रीम को पूरा करना। ये जो जर्नी है ये बहुत ही ज़्यादा औसम जाने वाली है। सपोर्ट चाहिए आप सबका, और आप देते भी हो एज ऑलवेज। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन रब रखा, बाय।